गौ अमृतम बैक्टीरिया का ये सारे 200 लीटर के पीप भरे हुए हैं। जब भी पानी कहीं पर भी उचित मात्रा में उचित पीएच उचित टीडीएस में नहीं है, उस टाइम पे हमको सिर्फ गाय ही एक आधारभूत है कड़ी जो बचा सकती है पानी देने की सिस्टम में। यहाँ पर गौ अमृतम बैक्टीरिया दे रहे हैं, सबकी नली को इकट्ठा कर लिया है और उसको यहाँ पर ये पीप के अंदर में ला रहे हैं, जहाँ पर एक छोटा सा मोटर को दे दिया है जिसके थ्रू ये पानी के साथ में सीधा ड्रिप में चला जाता है। कुछ भी करिए, सीखना सिखाना जारी रहेगा और अद्यतन टेक्नोलॉजी के साथ में हम सबको आना ही पड़ेगा। यहाँ पर गणेश भाई ने काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं डाली हुई है, जैसे हर एक पीप में जो अपन डे और नाइट हिलाते हैं उसको 5-5 मिनट या घंटे में 2 बार घंटे में 3 बार, उसके जगह पर उन्होंने जो है ये कंपनी का मोटर डाल दिया है जो बाहर से ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड पे देता है, बाहर की एयर जो है वो इनसाइड पे जाती है और बबूले बन के बाहर निकलती है। ख़ासतौर पे छोटे फिशिंग हाउस जो बनते हैं जो घर पे अपन रखते हैं उसमें यूज़ होने वाली चीज़ ये है जो ऑनलाइन आराम से मिल जाती है। तो ऐसी कुछ ना कुछ टेक्निक्स कुछ ना कुछ चीज़ें हर बंदे को अपने हिसाब से आजमाना पड़ेगा और करनी पड़ेगी, तब जाकर हम मॉडर्न फार्मर के रूप में बाहर आ सकते हैं। अगर इसी में पड़े रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे ये देखिए, ये छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम वाला है कि आपने लाइट के साथ प्लगिंग कर दिया तो उसके बाद में आप इसमें ऑटोमाइजेशन में टाइम डाल सकते हैं टाइमर के साथ में। जितना टाइम आप डालेंगे उतने टाइम के हिसाब से ये इनसाइड के अंदर में मैकेनिज्म के हिसाब से काम करेगा और जो इनसाइड पे ये इसका वर्क है वो वर्क इसमें होता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। गणेश भाई आप बताइए थोड़ा सा। ये ऑटो टाइमर है, ये 18 अलग तरीके से टाइम सेट होता है, एक जैसे एक घंटे के बाद 10 मिनट चले 15 मिनट चले, ऐसे अलग अलग 18 टाइप के इसमें सेट कर सकते, सेटिंग हो सकता है। बराबर 24 घंटे के लिए। बराबर, मतलब एक घंटे के बाद 10 मिनट ये एयर पंप चलाना है, 5 मिनट चलाना है, 2 मिनट चलाना है, कैसे चलाना है उसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। बराबर है, तो इसको कोई संभालना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। कब एयर देनी है, कैसे देनी है, क्या करना है, और ये आसानी से गौ अमृतम जो बैक्टीरिया है वो हिलाने के बाद जो 6-7 दिन में बनता है ये 3 दिन में बन जाता है। ओके, बराबर, बढ़िया है। तो टाइम भी जो है वो 3-4 दिन का सेव हो गया और अपने को बार बार हिलाने के लिए जाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ही हो गया, देखना भी नहीं आता है, कुछ नहीं करना। बराबर, और ये किसी फार्मर को चाहिए हो तो ये ऑनलाइन अवेलेबल मिलता है, ओके, इजीली मिल जाता है और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये 700-800 रुपये का आता है। ओके, 17-18 2000 का आता है। लो देख लो किसान भाइयों, जिस किसी को भी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना है वो आज हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में टाइम सबसे ज़्यादा मात्रा में कम रहता है और हमें ये टेक्नोलॉजी छोटी छोटी है लेकिन यही छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाके अपना टाइम सेव करना है और अपना वही ध्यान पौधों के अंदर में लगाना है। वैसे ही ये सेम एक अपने खुद के खाने के लिए वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। और एक दूसरी जानकारी आपको दूँ, इस वड़ को उम्रो कहते हैं और ये उम्रो जो है ये दीपक दादा कहते थे पानी की टंकी जो है उसका काम करती है। ख़ास कर पे जितने भी आपके पास कुएँ वगैरह है या पानी के स्रोत जहाँ पर भी है वहाँ पे 10-12 उम्रो आपने डाल दिए तो ये 150-200 फुट की ऊंडाई से मीठा पानी जो है वो पकड़ के रखते हैं और ऊपर तक लाते हैं, ये इसकी ख़ास तौर पे खासियत है। उम्रो सबको लगाना चाहिए।